wish you best. All the best. Thank you, भैया. गुड मॉर्निंग एवरीवन. और अभी चंडीगढ़ से निकल चुके हैं, लाइक अभी जस्ट निकला हूँ. आज काफ़ी लेट हो गया, इट्स 7:32 इन द मॉर्निंग. और लेट होने की वजह बस एक ही थी, हमारी नींद. आज असली राइड स्टार्ट हुई है. Somewhere at Punjab, A1 Dhaba. यहाँ पे ब्रेकफास्ट करा. एंड इट्स 9:56, सो 10 बज चुके हैं ऑलमोस्ट. गर्मी तो बस बताने लायक है नहीं, वो बस फील करी जा सकती है जो कि मैं कर रहा हूँ. इट्स 11:48. 15-20 मिनट्स मैंने यहाँ पे बिताए. 500 प्लस किलोमीटर कर चुके हैं घर से अभी तक. 41 डिग्री टेम्परेचर है भाई, 41. अभी पठानकोट 50 किलोमीटर आ रहा है. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. 1:33 इन द आफ्टरनून. और बस क्या ही बताना है, गर्मी है बहुत ही ज़्यादा है. डलहौसी यहाँ से आई गेस एक बार रास्ता देख लेता हूँ, 50-60 किलोमीटर्स रह रहा होगा. दिन का टाइम है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पे भी. अभी इतनी धूप थी और अचानक से बारिश वाला मौसम, मतलब बारिश वाला मौसम तो नहीं हुआ बट बूंद गिरनी स्टार्ट हो गई है एंड धूप बिल्कुल चली गई है. असली राइड करने का मौसम हो गया बिल्कुल एकदम. थकान भी दूर हो गई है. तो अभी डलहौसी को बाईपास करते हुए मैं बैरागढ़ की ओर जा रहा हूँ. गाइस बंदर ये रास्ता कितना ही बढ़िया लग रहा है, दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं और बीच में से रास्ता जा रहा है. जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं जाम मिलता जा रहा है. और क्या कहते हैं, बाइक है भाई अपने पे, बाइक बाइक का फायदा नहीं है. इन द आफ्टरनून और कुछ ऐसा नज़ारे हो गए हैं. गर्मी तो देखो अभी भी है, काफ़ी ज़्यादा ही है बल्कि पहाड़ों के हिसाब से, पर हवा ठंडी चल रही है, गर्म नहीं है हवा. इट्स 4:17 इन दी, इसे इवनिंग तो नहीं कहेंगे, वही गर्मी हो रही है. आफ्टरनून और बैरागढ़ तो यहाँ से दिखा रहा है ऑलमोस्ट 4 घंटे का रास्ता, तो उस हिसाब से 9 बज जाएंगे. पता नहीं गूगल मैप कहाँ से ले आया है. एक बार आगे का डाउनहिल देखो, मतलब यहाँ पे बाइक कैसे जाए भी. तो मैंने पूरी ब्रेक दबा रखी है आगे वाली, तब भी बाइक अपने आप जा रही है. देख के चलना पड़ेगा काफ़ी. ओ ओ ओ ओ ओके ओके बच गया, क्योंकि अगर मैं जाने भी देता हूँ बच गया. ये देख क्या बेहतरीन पुल है. साइड में ये नीचे ये रावी रिवर है,
बहुत ही ज़्यादा क्लियर वाटर है बिल्कुल। मैं ना नीचे चले जाऊँ। ये है डैम, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मतलब अत्यंत। और उसमें नीला सा ये पानी, बोटिंग भी हो रही है भाई, बोटिंग। नीचे जाएंगे तो बोटिंग जहाँ होती है वहाँ चले जाएंगे। कुछ इस तरीके की रोड स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी देर से चल रही है। और ये बात, ज़रा नज़ारा देख लेते हैं डैम से पानी निकलते हुए। इवनिंग नाउ आई कैन से इवनिंग, धूप बिल्कुल चली गई है, ठंडी हवा चल रही है। और ये है आई गेस रावी रिवर। ये अभी आगे कोटी आएगा और उसके बाद सलोनी एंड देन टीसा एंड देन बैरागढ़। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैं कोटी में चाय वाय पीता हूँ, अगर हिम्मत दोबारा रिस्टोर होती है तब आगे जाया जाएगा, वरना मैं वहीं पे कोई होटल देखना स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। और अब मतलब चलने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ खामखा ही अपने बॉडी को टॉर्चर करने वाली बात है, क्योंकि सुबह 7:30 बजे से चला हुआ हूँ एंड इतना बहुत होता है पहाड़ों पे, ऊपर से गर्मी थी तो आधा तो एनर्जी वहीं चली जाती है। बाकी देखते हैं, कोटी में अगर कुछ नहीं मिला तो आगे जाता ही जाना है। मोस्ट प्रोबेबली जहाँ भी मिलेगा वहाँ स्टे कर लेंगे। इट्स 6:26 इन द इवनिंग और बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है उन पहाड़ों के पीछे। एंड कोटी मैं क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ पे तो मुझे कोई अच्छी लाइक होटल या होम स्टे दिखा नहीं, तो इसीलिए अब आगे जाना पड़ रहा है। देखते बाकी कहाँ रुकेंगे, अभी कुछ नहीं पता है। बैरागढ़ इज स्टिल 70+ किलोमीटर लेफ्ट, तो वो तो मुश्किल ही है। अगर टीसा भी पहुँच जाऊँ तो वहाँ शायद पक्का होटल मिल ही जाना, बाकी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो उजाला ही है, गर्मियों का टाइम है तो मे भी 7:30 तक ही होगा, तो मेरे पास अभी 1 घंटा और है। देखिए जरा नज़ारा देखिए, अब तो मन में नहीं कर रहा यार, खड़े हो जाता हूँ थोड़ी देर, बहुत देर से बैठा हुआ हूँ। क्या सनसेट है। इट्स 7:30 और आई एम इन द मिडल ऑफ नोवेयर, पीछे कोई होटल नहीं है, आगे कोई होटल नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। प्रॉपर जंगल में राइड कर रहा हूँ मैं बिल्कुल, ना कोई रेस्टोरेंट है ना ही होटल्स है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे चलेगा कि रात तक, तो अब आधा घंटा मैक्स और अंधेरा हो जाएगा, मेरे को जल्दी से जल्दी होटल ढूंढना ही पड़ेगा। सो मिलता हूँ, कुछ अपडेट हो। सो अंधेरा हो गया तो मैंने सोचा ज़्यादा दूर क्या जाना। ईशान गेस्ट हाउस है चिली, इस जगह का नाम है। टीसा यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर और है, बट वहाँ पे पता नहीं रूम हो ना हो, तो यहाँ पे था
700 पर पर्सन, तो मैंने ले लिया। काफ़ी थकान भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, दिस इज़ द रूम और काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सच पास जाने की पूरी तैयारी है। साइड में ही कन्फेक्शनरी शॉप भी है, उसके साइड में भी खाने का है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पार्किंग के लिए, बाइक के लिए जगह भी है तो बढ़िया है। चलते हैं, आराम करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। भाई देखो, इतनी दूर आके इतनी मेहनत करके ये वीडियो एडिट हो गई, इस बात पर लाइक तो बनता है। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना, ठीक है। मिलते हैं कल, कल होगा बहुत ज़्यादा एडवेंचर। कल मैं निकलूँगा सच पास के लिए। ऐसे मैं सोच रहा था बैरागढ़ पहुँच जाऊँगा आज, बट नहीं हो पाया बिकॉज काफ़ी गर्मी थी। दिन में तो मैं चला ही नहीं पा रहा था तेज, और अभी थोड़ी रोड भी ऐसी मिलने लगी। सो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।